हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो या RRB PO की। तो चलिए हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा इस पैटर्न को मैं कैसे करवा रहा हूँ, किस तरीके से करवा रहा हूँ, है ना। और आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं किया है तो समझना कि कैसे और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन। हाँ जी, सो देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 पर्सन है। ध्यान रखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू शेप टेबल कैसी होती है। दिस इज कॉल्ड यू शेप टेबल। ये जो है ये आपकी यू शेप में टेबल है। ओके, और मैंने यहाँ पे कुछ फिगर एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं ताकि बस मुझे प्लेस करना पड़े, नहीं तो अननेसेसरी स्पेस और थोड़ा सा गंदा लगता है। तो फिगर मैं पहले से बना दिया है, ठीक है, मैं बनाऊंगा, यहाँ पे बना हुआ है। आगे कह रहा है BCDEPQRSTU यानी कि 3, 6, 9 और 2, 11 आर सिटिंग अराउंड अ यू शेप टेबल इन सच ए वे दैट 4 पर्सन सिट इन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्गर साइड। ये क्या है, इसकी लॉन्गर साइड है, है ना, एंड ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या है, ईस्ट फेसिंग है और ये क्या है, वेस्ट फेसिंग है। ठीक है, बात समझ में आ रही। आगे कह रहा है कि 3 पर्सन सिट ऑन द स्मॉलर साइड फेसिंग नॉर्थ, और ये स्मॉलर साइड है और नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर साइड है और ये नॉर्थ फेसिंग है। यहां तक आई थिंक सो बात सबको समझ में आ गई होगी। यानी ये है आपका मेन डेटा जो आपको क्रैक करना है। किसी भी एग्जाम के अंदर अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास फिगर बेस जरूर होगा, ये याद रखिएगा। अब आपसे ये और कहना चाहूंगा कि शेयर कर दीजिए वीडियो को, अगर आप चाहते हो ना और बढ़िया बढ़िया पजल, आज 3 पजल कराऊंगा, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ई नीदर सिट एडजेसेंट टू बी नॉर सिट एडजेसेंट टू क्यू। ई ना तो बी के पास है ना ही क्यू के पास है, तो ई ना तो बी के पास होगा ना ही क्यू के पास होगा, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिख के क्रॉस कर दी। ठीक है, आगे देखो, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, ई बैठा हुआ है, और पी जो है डज नॉट सिट फेसिंग एस, और पी एस को फेस नहीं कर रहा है, यानी कि पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई आएगा और पी जो है वो एस को फेस नहीं करेगा, याद रखना है इस बात को भी। आगे कह रहा है क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में थर्ड नंबर पे कौन है, क्यू है, आर के राइट में थर्ड नंबर पे क्यू बैठा हुआ है, इस बात को याद रखिए। आगे कह रहा है कि हु सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड, यानी आर जो है वो कहां पे है, स्मॉलर साइड पे है, कहां पे है, स्मॉलर साइड पे है। अब स्मॉलर साइड पे तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, भाई स्मॉलर साइड का मतलब क्या है, स्मॉलर साइड का मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, हो सकता है ना, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। आगे देखो, पर्सन फेसिंग क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। पर्सन फेसिंग क्यू, क्यू को जो बंदा फेस कर रहा है, यानी क्यू को मान लो ये बंदा फेस कर रहा होगा, तो पर्सन फेसिंग क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ये जो बंदा है ये बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। ये क्या है, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। सो क्यू को फेस करने वाला बंदा बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे समझते हैं। आगे हमसे कह रहा है हु डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो एंड पर नहीं है। एंड का मतलब समझ रहे हैं, बी का एंड का मतलब है ये रो का एंड है और ये रो का एंड है, इन जगहों पे बी नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, पर्सन सिट्स थर्ड या पर्सन थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अभी कह रहा है कि बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा बैठा हुआ है सिट एडजेसेंट टू आर। ये बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा है वो आर का पड़ोसी है। ठीक है, ये किसके पड़ोसी है, आर का पड़ोसी है। तो पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी सिट्स एडजेसेंट टू आर बट लेफ्ट ऑफ आर, लेकिन ये आर के लेफ्ट में है। ये क्या है, आर के लेफ्ट में है। अब पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर के लेफ्ट में होगा लेकिन बी के राइट में थर्ड नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, आगे हमसे कह रहा है कि पर्सन फेसिंग ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। डी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, ई आएगा। तो ई देखो, पर्सन फेसिंग ई वो बंदा जो ई को फेस कर रहा है वो डी के राइट में सेकंड नंबर पे आएगा। तो डी के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो किसको फेस करेगा, ई को फेस करेगा। तो यहां पे ये ट्रिकी इंफॉर्मेशन है, पर्सन फेसिंग ई, ई फेसिंग डी, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन।
समटाइम्स हम फेसिंग वाले वर्ड को भूल जाते हैं और आगे की इंफॉर्मेशन को हम क्लिक कर देते हैं, वो हमें नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, यू एंड डी सिट्स टुगेदर, भाई यू डी भाई भाई है तो एक दूसरे के पास में बैठेंगे, ठीक है, ये हो गए यू एंड डी सिट्स टुगेदर। इसके बाद है टू पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में दो बंदे बैठे हुए हैं, एस और यू के बीच में, ये अपन ने यहां पे लिखा, ठीक है। आगे देखो, एस नीदर सिट एट एंड नॉर सिट फेसिंग ई, एस ना तो एंड पे है, एस ना तो एंड पर है, नॉर सिट फेसिंग ई, और एस ना ही किसको फेस करेगा, ई को फेस करेगा, तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे है। पर्सन फेसिंग सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में वो बंदा आएगा जो सी को फेस करेगा, टी के इमीडिएट लेफ्ट में वो बंदा आएगा जो किसको फेस करेगा, सी को फेस करेगा, ओके। ये तो इंफॉर्मेशन आपने लिख ली भाई, सबने यहां पे लिख लिया। अब बात आती है इस क्वेश्चन को सही तरीके से क्रैक करने की, कि सर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले लिखे कौन सी बाद में लिखे। तो देखो गाइस, मैंने आपसे पहले क्या कहा कि क्यू जो है वो आर के राइट में थर्ड नंबर पे, यहां से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कहा था। सेकेंड बात यह है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये बंदा अगर फेसिंग नॉर्थ है तो ये इसका लेफ्ट साइड होगा और ये इसका राइट साइड होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये बंदा पश्चिम दिशा में देख रहा है तो ये इसका राइट साइड होगा और ये इसका लेफ्ट साइड होगा, इसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये है। और अगर यहां पे ये आमने सामने है तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट है, है ना। तो आमने सामने वाली रो और तीसरी रो, टोटल कितनी है यहां पे, तीन रो है यहां पे, कितनी रो है, तीन रो है यहां पे। अब देखो कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, गाइस क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, अब सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर मजा आया तो वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि दो और नई फसल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया तरीके का क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। अब बात यह आती है सबसे पहले कि Q sits third to the right of R, और ये जो R है वो कहां पे आएगा, स्मॉलर साइड में आएगा। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले प्लेस करता हूं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन भी देखनी है, क्योंकि सामने जो बंदा आएगा वो B के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि सामने जो बंदा है, क्योंकि Q से मैं इंफॉर्मेशन को रिलेट करूंगा तो मैं इसको इससे रिलेट कर दूंगा। और फिर मैं ये भी देखूंगा कि B एंड पे नहीं आएगा, मैं क्या देखूंगा, B एंड पे नहीं आएगा, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसके बाद अब एक बात और देखो कि बी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मेरे पास ये और है, क्या, कि बी के राइट में थर्ड में जो बंदा आएगा वो आर के लेफ्ट में आना चाहिए, ठीक है, और आर के लेफ्ट में भी कौन सा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, पर्सन फेसिंग क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में होगा जो क्यू को फेस कर रहा होगा, ठीक है। चलो, तो पर्सन फेसिंग क्यू सिट्स, यानी क्यू को जो फेस कर रहा होगा, सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, हु डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो, यानी कि बी इज नॉट एंड ऑफ द रो, ठीक है। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देख लेना आप लोगों ने सही किया है गलत किया है, आपका जो भी आंसर होगा वो यहां पे अब आप चेक कर लीजिएगा। आई एम नाउ गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात मैं देखता हूं कि आर के राइट में थर्ड नंबर पे क्यू कहां आएगा। अगर आर यहां पे आता है क्योंकि स्मॉलर साइड है, आर को अगर मैंने यहां पे रखा 1 2 3, क्यू को यहां पे लिखूंगा, अगर मैंने क्यू को यहां पे लिखा तो क्यू के सामने जो बंदा आएगा, यानी ये किसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो बी यहां पे रखना पड़ेगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, बी के इमीडिएट में होगा, तो बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा आएगा, और बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा आएगा वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब कैसे, किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहां पे देखो, अब देखो इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, अब इसको भी हटाओ, ठीक है, राइट और लेफ्ट आपको समझ में आ चुका है। तो मैंने क्या रखा, पहले मैंने बी रखा, आर के राइट में थर्ड नंबर पे क्यू आएगा, सॉरी आर को रखा, आर के राइट में थर्ड नंबर पे क्यू आएगा, तो बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा आएगा, अब सुनो, बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा आएगा आर के लेफ्ट में आएगा, यानी यहां पे, तो बी के राइट में, अब ये फेसिंग कहां पे है, वेस्ट है, ये फेसिंग कहां पे है, ईस्ट है। अगर मैं इसको इसके साथ प्लेस करूंगा तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में वाला बंदा क्यू के सामने आना चाहिए। अब क्यू के सामने वाला जो बंदा आएगा, अगर वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा तो एक बात बताओ, बी को यहां रखना पड़ेगा, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। अगर ऐसा हुआ तो बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा आएगा 1 2 3, वो आ ही नहीं सकता ना, नहीं आ सकता, यानी ये केस आपका यहां पे क्या हो गया, गलत, यानी इस जगह पे आर नहीं आएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो,
अब इस जगह पे आर नहीं आएगा तो आर को कहां पे रखो, यहां पे रखो, क्योंकि मिड में भी नहीं आएगा, क्योंकि मिड में कैसे आएगा, आर के राइट में जब आप थर्ड नंबर पे क्यू को प्लेस करोगे तो आप क्यू को यहां पर प्लेस कर दोगे। द सेम थिंग, अब जैसे ही आपने इसको प्लेस किया, क्यू के सामने जो बंदा आएगा, ये वाला बंदा, वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में आना चाहिए। भाई बी के इमीडिएट लेफ्ट में कब आएगा, बी के इमीडिएट लेफ्ट में तब आएगा जब इसकी फेसिंग वेस्ट होगी, जब फेसिंग वेस्ट होगी तो यहां पे बी के इमीडिएट लेफ्ट में। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे ही आपने इसको लिखा बी के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि सामने वाला बंदा बी के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा और आपकी फेसिंग क्या है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में होगी, तो ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। अच्छा एक बात और बताओ, बी के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा यानी ये कंडीशन यहां पे सेट हो जाती है। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत भाई? मुझे ये बताओ, देखो यहां पे इस चीज का जरूर ध्यान रखना, मैं अपने आपको हाइड करता हूं नहीं तो थोड़ा सा स्पेस मैं मुझे मिल जाएगा। हाँ देखो यहां पे ये बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डायरेक्शन का है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, और पश्चिम में जो देखने वाला बंदा है उसका ये राइट साइड है और ये उसका लेफ्ट साइड है, और सेम थिंग ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। अब आप सोच लो ये बंदा ईस्ट दिशा में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका राइट साइड, ये फेसिंग ईस्ट है, और देन ये राइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही हमने ये लिखा, हमारा राइट में थर्ड नंबर पे क्यू, क्यू के सामने बी, यानी मेरा ये इंफॉर्मेशन डन, मेरा ये इंफॉर्मेशन भी डन। अब ई बी और ई क्यू साथ में नहीं है, तो ई और बी साथ में नहीं है तो ई मेरा यहां पे नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा। द सेम थिंग, ई जो है बी और क्यू के पास में नहीं आएगा, इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैंने इसको यहां से हटा दिया। इसके बाद देखो बी के राइट में थर्ड नंबर पे जो बंदा आएगा 1 2 3, वो आर के लेफ्ट में आएगा, आर के लेफ्ट में आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर है? जैसे ही मैं यहां पे आया, बी एंड पे नहीं है, मेरा बी एंड पे नहीं है, ये मेरी लाइन क्लियर है, ये मेरी लाइन क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि भाई एक बात बताओ, जब मैंने ये प्लेस कर दिया, मेरे को ये देखना है, और या फिर ये देखना है, या फिर यूडी पड़ोसी देखना है, या फिर पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई देखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देखो कि ये जो पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ई है वो कहां पर प्लेस होगा, कि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, सो वो कंडीशन देखो। अब मेरे पास P की कई कंडीशंस है, जैसे यहां पे मान लो P है, तो P के लेफ्ट पे 1 2 3, यानी कि इस जगह पे तो आएगा नहीं, और अगर इस जगह पे नहीं आएगा तो फिर मैं P को दूसरी जगह पे प्लेस करूंगा, उसके पास वाली प्लेस पे रखूंगा, यानी P को मैं यहां रखूंगा, 1 2 3 मेरे को E यहां मिल जाएगा। एक केस तो मेरा ये होता है, लेकिन दूसरा केस ये भी होता है, अगर मैं P को यहां पे लिख दूं 1 2 3, यानी कि इस जगह पे, कि P अगर यहां पे होगा 1 2 3, मैं E को यहां पे लिख सकता हूं, यस या नो? अब जैसे ये आएगा तो फिर मेरा R यहां पे हो रहा है, 1 2 3 मेरा Q यहां पे हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा B यहां पे हो रहा है, तो ये मेरा केस 1 हो गया और ये मेरा केस 2 हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? तो अब यहां से मैं इसको रफ करता हूं, क्योंकि यहां पे काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्लेस की जा चुकी है। क्लियर है? अब देखो बात समझ में आ गई, तो मेरे यहां पे कितने केसेस डेवलप हो गए, 2 केस डेवलप हो चुके हैं, आर आ गया, क्यू आ गया, ई आ गया, बी आ गया, पी आ गया। जैसे ही पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पी आएगा, पी के सामने एस नहीं आएगा, तो एस यहां पे नहीं रखूंगा मैं, और यहां पे पी के सामने एस नहीं आएगा। ठीक है, डन हो गया यहां पे। अब एक बात बताओ, यूडी पास में बैठे हैं और दो बंदे एस और यू के बीच में बैठे हैं, अगर यूडी मेरे पास में बैठे हुए हैं और दो बंदे मेरे एस और यू के पास में बैठे हुए हैं, तो किधर बैठाऊंगा भाई, किधर बैठाऊंगा, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये एक अच्छा टास्क है। अब यहां पे देखो, जैसे एस और यू है, ठीक है, और डी डी है पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, ई है पी के सामने, एस नहीं है, ठीक है, ये डन है। अब इन दोनों को देखो, एस एंड पे नहीं और एस के सामने ई नहीं आएगा। अब एक बार बताओ, एस यहां पे भी नहीं है, एस यहां पे भी नहीं है, क्योंकि एस के सामने ई नहीं आएगा, एस यहां पे भी नहीं है और एस एंड पे भी नहीं है। इन अगर इन जगहों पे नहीं देखूंगा तो फिर मैं एस को किधर देखूंगा भाई, एक बार बताओ, एस एंड पे नहीं है, एस ई पे नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि एस की कंडीशन यही बची मेरे पास, इधर तो फिर मेरे पास कंडीशन ही नहीं बचेगी, और जब मेरे पास कंडीशन ही नहीं बचेगी तो मैं किधर प्लेस करूंगा भाई, इधर प्लेस कर नहीं सकता, उधर प्लेस कर नहीं सकता, एस को एंड पे ला नहीं सकता, और एस और यू के बीच में दो बंदे होने चाहिए, वो मैं कर नहीं सकता, तो फिर मैं इधर एस को प्लेस करूंगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्या प्लेस करूंगा, यू प्लेस करना है, तो यू देखो कहां पे आ सकता है, 1 2 U यहां पे भी हो सकता है, 1 2 U यहां पे भी हो सकता है। अब दो केसेस हैं यू के लिए, ठीक है, अगर दो केसेस हो गए यू के लिए, तो फिर ये देखो एस और यू, और यू और डी पड़ोसी होने चाहिए। अगर मैंने 1 2 U यहां पे रखा तो यू डी पड़ोसी कर दूंगा,
लेकिन अगर 1 टू यू यहां पे रखा तो यू डी पड़ोसी नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है 1 टू यू को यहां पर प्लेस करो, डी को यहां पर प्लेस करो, ठीक है। तो एस आ गया, आर आ गया, यू डी और ये आ गया, तो ये भी क्लियर हो गया। अब डी के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो ई के सामने आएगा। अब ये देखो डी है, डी के राइट में सेकंड नंबर पे जो बंदा आएगा वो ई के सामने आएगा। मेरी ये क्लियर हो गई इंफॉर्मेशन। एस और यू के बीच में दो बंदे आएंगे, एस और यू के बीच में दो बंदे आएंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब पॉइंट क्या आता है, अब एक बंदा ये बचा, एक बंदा ये बचा, तो इस इंफॉर्मेशन को उठाओ, ठीक है। अब देखो टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो बंदा आएगा वो सी के सामने आएगा, टी के इमीडिएट लेफ्ट में। अब एक बार बताओ टी का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होना चाहिए, टी तो यही होना चाहिए। अगर टी ये होगा तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में जो बंदा आएगा वो सी के सामने आएगा, इसका मतलब सी वहां पे आएगा। तो बचा कौन, वी, वी को यहां पर प्लेस कर दो, दिस इज द आंसर। अब देखो क्लियर है, अरे भाई अगर एस को यहां पर प्लेस कर दोगे तो एस और यू के बीच में दो बंदे और यू और डी के पड़ोसी कैसे हो जाएंगे, फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी ना, बात समझ में आई। तो आप प्लेस भी कर दोगे तो वहां पे उसकी काउंटिंग तो करके देखो, काउंटिंग करने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि वो वहां पे नहीं बैठेगा, क्लियर हुआ।